दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रवीण कुमार, एजुकेशनल स्कॉलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूं और इस टॉपिक का नाम है बिजनेस वर्सेस जॉब। किसी राइटर ने बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, वो लाइन का क्या नाम है, उस लाइन का नाम है कि अगर तुरंत पैसा चाहिए तो भीख मांगिए, तुरंत पैसा चाहिए तो भीख मांगिए, अगर एक या दो महीने के अंदर पैसा चाहिए तो जॉब कीजिए, अगर अच्छा पैसा चाहिए थोड़ा और ज़्यादा पैसा चाहिए तो व्यापार कीजिए, छोटा मोटा व्यापार कीजिए, और लास्ट लाइन है अगर अमीर बनना है तो 4 या 5 साल पेशेंस कीजिए और बिजनेस कीजिए। आई मीन टू से दैट कि व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम जॉब। शुरुआत में पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए क्या बताते हैं और क्या कहते हैं, उसको एक मैं ड्राफ्टिंग आपके सामने बोलना चाहता हूँ। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छी जॉब ले, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स ले, अच्छे मार्क्स लेने के बाद वो आगे ग्रो करे और एक अच्छी जॉब ले, IPS, IAS, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के अंदर या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना कोई बहुत अच्छी ग्रोथ की जॉब ले। मेरे दोस्तों अगर उस लेवल तक उसको जॉब नहीं मिल पाती है तो उसके पास फिर क्या बचता है, यानी कि वो 24 या 25 साल की एज तक वो अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो अपनी जॉब सर्च करता है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक यू नो सभी को उस लायक जॉब नहीं मिल पाती है, और मिलती है तो थोड़ी बहुत मिल पाती है। वो कैसे कि BTech या MTech एक नॉर्मली एजुकेशन करने के बाद 7.5 या 8 लाख रुपये नर्सरी से लेकर के एमटेक करने के बाद जब जॉब के लिए जाता है किसी एंटरप्रेन्योर के पास में, तो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसकी जॉब की कीमत लगाता है कि हमारे पास वो नौकरी करने के लिए आए तो उसे क्या बोली लगाई जाए, अरे उसकी क्या हिम्मत है कि हमारी क्वालिटी का वो दाम लगाए, क्योंकि क्वालिटी को हम लोगों ने जनरेट की है, हमने जनरेट किया तो इस चीज़ का तो हमें मालूम है कि 7.5 से 8 लाख रुपये लगाने के बाद और हम 14-15 हज़ार रुपये में उसके साथ हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि भाई मुझे इतना ही काफ़ी है, इतना मुझे चाहिए और आगे धीरे धीरे बढ़ेगी तो आगे जो भी होगा वो XYZ क्या होगा वो दैट्स डिपेंड ऑन फ्यूचर। इतना करने के बाद वो 4 या 5 साल अपनी नो अपना जो है एक्सपीरियंस ग्रो करता है, जब जब उसकी सैलरी बढ़ती जाती है तो एंटरप्रेन्योर को लगता है कि अब ये मेरे सिर के ऊपर बोझ है, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो उसको किसी ना किसी बहाने से उसको फिट कर देता है। राइट नाउ वो एक तरह डिप्रेस में आ जाता है, एक डिप्रेशन में हो जाता है कि अब उसको लिए जॉब तलाश करना, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। मेरा किसी को इंसल्ट करना मेरे दोस्तों पर्पज नहीं है, मैं तो छोटा सा एक आपको एक ओपिनियन बता रहा हूँ कि ज़रूर नहीं है कि हर एक एक्सपीरियंस के बाद हर किसी लोगों को अच्छी ग्रो की जॉब मिलती चली जाए, बट मेरा मानना है कि इस कंपटीशन की एज में आज की डेट में न्यू जनरेशन आ रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उनको भी जॉब चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर तो कम पैसे में अपने किसी को हायर करके आगे बढ़ता है और एक्सपीरियंस वाले उस कैंडिडेट को सेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेंड करता है, समझाता है, कम लागत आती है, कॉस्टिंग कम आती है, तो यू नो आप समझ सकते हैं कि वो सारी चीज़ें वो एक साथ मैनेज नहीं कर पाता। आफ्टर दैट वो जैसे तैसे अपना सर्वाइव करता है और फिर उसके माइंड में आता है 40 से 45 साल की एज में सब कुछ होने के बाद में सोचता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, आगे यही प्रोसेस चलता रहेगा, छोड़ूंगा फिर पकड़ूंगा। तो जॉब क्या कहती है? जॉब लास्ट में किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लेना, थोड़ा बहुत लग्जरी हो जाएगी लाइफ अगर उसको अच्छी सैलरी मिल रही है तो, कि भूखा तो मैं मरने नहीं दूंगी लेकिन बचने पीछे कुछ दूंगी भी नहीं आपके लिए। दैट्स कि खर्चे आप उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर उनके जॉब में पूरे हो जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी का जॉब के साथ साथ उसका कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क है या उसको दूसरे तरीके से वो करता है या उसको कहीं और से इनकम सोर्स या उसका वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है तो मे भी हो सकता है कि जॉब के साथ साथ वो कुछ कर जाए, लेकिन जॉब में एक बिजनेसमैन के कंपेरिजन में वो एंटरप्रेन्योर की कंपैरिजन में वो उन सब चीज़ों को नहीं ले सकता, ड्रीम्स नहीं अचीव कर सकता, नहीं वो चीज़ें हासिल कर सकता जो एंटरप्रेन्योर कर सकता है। अच्छा मेरे दोस्तों, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, बिजनेस क्या है।
बिजनेस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपकी एनर्जी का, आपका टाइम का, आपके आपका आउटपुट का, कि आज आपने जो डाला है उसका रिजल्ट तो आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है, डेफिनेटली है। इसमें धीरे 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 अपना नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन्वेस्टमेंट ऑफ यू नो ऑल अदर थिंग्स दैट मे बी यू नो आप जो डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कि ये सब चीज़ें जो है हमें करनी पड़ेंगी, तो रिजल्ट हमें एक साथ नहीं मिलता है बिजनेस के अंदर। हाँ धीरे धीरे मिलता है, वो एक साल के बाद, दो साल के बाद कुछ और सिनेरियो बनता है, तीन साल के बाद बिजनेस का और एक्सप्लोर होता है, तो इनकम्स धीरे धीरे आती है, मेंटेनेंस धीरे धीरे पूरे करने एक बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि आज नहीं तो कल मेरे साथ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनका जो हमारा फ्रूट मिलेगा, जो फ्रूटफुल रिजल्ट होगा हम लोगों को आने वाले टाइम में मिलेगा, ये 100% उसको वाकिफ होता है, कॉन्फिडेंस होता है। इनपुट करने के बाद में जब वो लगता है धीरे 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 लोगों को हायर करता है, फिर आगे बढ़ता है, एक स्टेज ऐसी आती है 4 से 5 साल के बाद में वो रिलैक्स फील करता है, लोगों को एम्प्लॉयज दे, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट, अपना टाइमिंग कंज्यूमिंग कम दे रहा होता है, एक टीम बन जाती है, टीम को डायरेक्शन देता है, पहले कहीं अकेला भाग रहा होता है तो फिर साथ उसके लोग लग जाते हैं, इट मीन्स कि दैट टीम टारगेट अचीव, टारगेट एवरी वन अचीव एंड मोर लर्न, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ टीम, टारगेट एवरी वन अचीव एंड मोर लर्न, राइट। तो बहुत सारे उसके पास काम करने वाले लोग, उसके यूनिट्स बन जाती हैं, उसके टीम के साथ साथ और लोग काम करने के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उसको जिन चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो सब चीज़ें उसको ईजली लगने लग जाती है। क्या आपका मानना है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो उसे कहीं कंपटीशन में क्या उसका बैठ सकता है? मेरे दोस्तों मे बी नहीं, उसको टाइम की आज़ादी मिलती है, उसको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, उसको लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, उसको वो सब चीज़ें मिलती हैं जो पहले उसने अंधेरे में देखा हुआ होता है, और फिर उसको वो लाइट में ले गया। तो एक साथ उसने वो सब चीज़ें कंप्लीट नहीं की हैं, उसने बहुत अंधेरे देखे हुए होते हैं, और मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, तब वो सारी चीज़ें हम लोगों को मिल पाती हैं और वो दे पाता है। तो मेरे दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को आपको थोड़ा सजेस्ट करते हुए कि आज हमारा जो इंडिया में जो गरीबी है, गरीबी है, पॉवर्टी है, वो एक थोड़ा सा एक बहुत बिलो लेवल पे इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, लोग शुरुआत नहीं करना चाहते, लोग वो एंटरप्रेन्योर्स वाली स्पिरिट से नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें तो आने वाली जनरेशन्स, आने वाले आइडियाज़, आने वाली प्रमोशंस उसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। पर ये मैं मना नहीं करता, जॉब भी कीजिए, लेकिन कुछ टाइम के एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना एक सेटअप डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आई विश यू दैट यू, आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको जो है आप अपने माइंड में उतारिए और इसको अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। थैंक यू डियर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पे अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।